लड़ने से लेकर और अभी भी पूज्य आचार्य सत्येंद्रदास जी महाराज वहां के मुख्य न्यूज एटिंग मैनेजिंग एडिटर अमीश देवगन भी रामनगरी अयोध्या पहुंचे हैं। हमारी टीम ने उनसे खास बातचीत भी की है। के आम लोग जो है वो सड़कों पे उतर आए हैं रामलला का स्वागत करने के लिए। हाँ, वीवीआईपीओ का आप देखिए, अभी अनिल कुंबले से मेरी मुलाकात हुई, तो अनिल कुंबले ने मुझे जय सिया राम कह के संबोधित करा। और अयोध्या नगरी के आम लोग जो है वो सड़कों पे उतर आए हैं रामलला का स्वागत करने के लिए। हाँ, वीवीआईपीओ का आप देखिए, अभी अनिल कुंबले से मेरी मुलाकात हुई, तो अनिल कुंबले ने मुझे जय सिया राम कह के संबोधित करा। और कई साधु संत आए हुए हैं, अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष आए हुए हैं और गजब का उत्साह है। मुझे नहीं लगता कि इस तरह का उत्साह मैंने कभी देखा है। मैं कई बार कह चुका हूं कि एक दिवाली तो हर साल आती है, लेकिन ये दिवाली तो 550 साल बाद आई है, तो सोचिए कितनी महत्वपूर्ण है। तो जय सिया राम सबको। क्या आप भावुक हैं? क्योंकि मैं जब सुनती हूँ भजन और पूजा पाठ, अगर हम लोग करते थोड़े से भी राम से जुड़े, तो भावुक हो जाते हैं। कैसे लोगों में आस्था है? जब मैंने आज मैंने सुग्रीव, जहाँ से हमारी एंट्री है सुग्रीव किला का वो गेट, जो मैंने वो किला का गेट देखा, तो एक पल में तो मेरे आंखों में आंसू आ गए और मन करा कि बिल्कुल जिसे कहते हैं कि इस धरती को नमन करें जहां पर रामलला विराजमान होने जा रहे हैं। एक अद्भुत मौका है, शायद शब्दों में बयान इसको नहीं किया जा सकता, शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। आप देख सकते हैं कि बड़े बड़े वीआईपी लाइनों में लगी, ये संतों की बस जा रही है। आप देख रहे हैं ये संतों से भरी हुई बस जा रही है, और ऐसी दो तीन बसें हैं, ये संत आप जा रहे हैं। अच्छा, इतने सारे वीआईपी हैं। अभी मैं देख रहा था बॉलीवुड के अनुपम खेर से मेरी मुलाकात हुई, अनुपम खेर मेरे साथ ब्रेकफास्ट में बैठे और हम लंबी चर्चा कर रहे थे। और मैं तो कहते हैं ना, एक मान्यता है कि हनुमानगढ़ी जाने के बाद ही राम मंदिर जाना चाहिए, तो अनुपम खेर भी हनुमानगढ़ी गए, मैं भी गया, ऋषभ शेट्टी आए हुए हैं यहाँ पर। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ बॉलीवुड के स्टार्स आए हुए हैं, साउथ के स्टार्स आए हुए हैं। अद्भुत मौका है। जो व्यूअर्स इस समय न्यूज 18 देख रहे हैं, न्यूज 18 देखते रहिए, क्योंकि हमारी ग्राउंड टीम मंदिर के प्रांगण में भी मौजूद है और बाहर भी मौजूद है, और एक बहुत बड़ी मेगा कवरेज के साथ हम आपके पास आ रहे हैं। जो ये कवरेज है ये जोरदार होगी। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। तो बता ही रहे हैं कि कितने वो खुद भी भावुक भी मुझे दिख रहे हैं जी, कि उनकी मुस्कान, उनका गला रुंधा हुआ दिखाई जी, बिल्कुल अवधेशानंद गिरी जी थे। और किस तरह से महामंडलेश्वरों को भी, महामंडलेश्वर है अवधेशानंद गिरी जी, वो आ रहे हैं। आप देखिए किस तरह का अद्भुत मौका है, किस तरह का यह अद्भुत अवसर है। साधु संतों का जबावड़ा है। सपना, आपने भी रामनगरी को कवर करा होगा, पहले भी आप अयोध्या आई होंगी, लेकिन इस तरह का माहौल मुझे नहीं लगता बीते कुछ दिनों में देखने को मिला है, बीते गत वर्षों में देखने को मिला है। वो देखिए हर समाज से लोग आए हुए हैं, ये बहुत खास है। ये तस्वीरें आपने देखी, न्यूज 18 मैनेजिंग एडिटर अयोध्या पहुंचे हुए, हमारी पूरी टीम वहां पर मौजूद है, पल पल की जो अपडेट है दे रही है, तस्वीरें दिखा रही है। मैनेजिंग एडिटर एक एक दिग्गज से, जो दिग्गज वहां पे हस्तियां पहुंची हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं। वो जिक्र भी कर रहे थे कि किन किन से उनकी मुलाकात हुई और क्या क्या खास बातें हुई और कितना उत्साह जो है सभी के अंदर है। जितनी भी हस्तियां वहां पर पहुंच रही हैं वो उत्साह से लबरेज हैं और कहीं ना कहीं अपने भावनाओं को प्रकट करने का भी ये दिन, ये मौका और ये इंतजार जो तप है वो खत्म हो रहा है, तो उत्साह तो होना लाजमी है। तो इस बार